राजधानी दिल्ली के अस्पताल पूरी तरह से कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए तैयार। पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट एवं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष गिरी से टॉप स्टोरी न्यूज ने बातचीत की। उन्होंने बताया कि जिस तरह से कोविड 19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था, यदि BF7 देश में पाया जाता है तो उसी तरह का असर कर पाएगा। डॉक्टर गिरी ने कहा कि हमारे देश के लोगों की रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता अन्य देशों के मुकाबले अत्यधिक है। वहीं भारत सरकार देश में करीब 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवा चुकी है। ऐसे में हमारे देश में खतरा काफी कम है। मगर हम GTB हॉस्पिटल की बात करें तो हमने 400 बेड रिजर्व रखे हैं और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 200 के करीब रिजर्व रखे गए हैं। हमारे पास कोविड 19 की सेकंड वेव में जो ऑक्सीजन की दिक्कत आई थी, या यूं कहे जब सेकंड वेव में जितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल में आई थी उससे 10 गुना अधिक ऑक्सीजन का स्टॉक आज हमारे पास है। जब डॉक्टर गिरी से पूछा गया कि आम जनमानस को किस तरह की सुविधाओं का हॉस्पिटल में इंतजाम है, तो उन्होंने हमें उन व्यवस्थाओं को भी दिखाया जहां पर सैकड़ों की संख्या में आज वेंटिलेटर वाले बेड है। ऐसी स्थिति में किसी भी बड़ी आपदा के समय में अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। देखिए, कोरोना जो DF.7 वायरस, अभी सीरो टाइप कोविड का, जो चाइना, जापान और कुछ दूसरे देशों में देखा गया है, वो हमारे कंट्री में भी 4 केसेस अभी तक उसके सीरोटाइप से हमें पता लगा है, आइसोलेट हुए हैं। एक्चुअली में ये चाइना और दूसरे जो डेवलप कंट्रीज और हमारी परिस्थितियाँ अलग हैं। वहाँ पर जीरो टॉलरेंस की वजह से लोगों के अंदर कोविड का इन्फेक्शन रूटीन में होता नहीं है। यदि किसी को होता है तो उसको वो आइसोलेट करके रखते हैं, तो उनके अंदर कोविड की हर्ड इम्यूनिटी पैदा नहीं होती। इन कंपैरिजन हमारे देश में कोविड का हर्ड इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ रफली हमारी 3 कोविड वेव में हमारी रफली पूरी पॉपुलेशन इन्फेक्टेड होगी। इसके साथ साथ हमारी वैक्सीनेशन कवर जो है फर्स्ट एंड सेकेंड डोज का 98% है। हमारी वैक्सीन जो है वो बेटर है चाइनीज़ की बजाय। चाइना में सिर्फ चाइनीज़ वैक्सीन यूज़ हुआ है जिसकी क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ी इन्फीरियर मानी जाती है। तो हम लोगों की इम्यूनिटी इन्फेक्शन की वजह से, अदरवाइज हमारी परिस्थितियों की वजह से और कोविड वैक्सीनेशन की वजह से बेटर है। तो इसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर कम रहेगा, माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज रहेगी। फिर भी हम दिल्ली के अंदर, दिल्ली गवर्नमेंट के इस हॉस्पिटल में पूरी तरह से सशक्त हैं। हमारा जो सेकेंड कोविड वेव में जितनी हमारी प्रेपरेशन थी उससे हम हर तरह से कम डबल है, चाहे वो बेड की बात हो, वेंटिलेटर की बात हो, ऑक्सीजन स्टोरेज की बात हो, ऑक्सीजन प्रोडक्शन की बात हो या सप्लाई की बात हो, हम पूरी तरह से सक्षम हैं। और यदि कोविड ये आता भी है तो हमारी सारी तैयारी है। एट प्रेजेंट जैसे गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन आएंगी उस तरह से हम उतने बेड आइसोलेट कर लेंगे। एज ऑन टूडे हमने 20 बेड ICU के इसके लिए रखे हुए हैं और कुछ पीडियाटिक्स ICU के लिए बेड रखे हुए हैं, प्लस 100 बेड्स रूटीन एडमिशन के लिए रखे हुए हैं। एज ऑन टुडे आज तक मेरे पास अभी तक कोई पेशेंट नहीं है। एडिशनली हम फीवर क्लिनिक अपना काफ़ी दुरुस्त कर दिया है, क्योंकि इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शन का दौर चल रहा है और ये कोविड भी एक वायरल इलनेस है और रूटीन जो फ्लू चलता है वो भी एक वायरल इलनेस है। दोनों इलनेस में डिमार्केट करना मुश्किल होता है, तो फीवर क्लिनिक के माध्यम से जहाँ भी ज़रूरत होगी, जहाँ डाउट लगेगा, हम उसका टेस्ट करवाएंगे, RT-PCR या रैपिड कोविड टेस्ट, और अकॉर्डिंगली जो पेशेंट पॉजिटिव आएगा उसको जीनोम स्टडी के लिए भेजेंगे ताकि हमें ये पता लगे कि कौन सा सीरोटाइप है। सर, लोगों को क्या आप सलाह देंगे, कैसे उन्हें बचना है इसको लेकर? यस, देखिए, चाहे कोविड हमारी इम्यूनिटी बहुत बेहतर हो, फिर भी सब लोगों को, हम लोगों को अपने गार्ड्स अप कर लेने चाहिए। मास्क पहनना चाहिए, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए, और खुले में जैसे यदि खांसी आती है तो अपने हाथ में या रुमाल के अंदर करें, और इसके साथ साथ क्राउडेड प्लेस पे ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अच्छा खाना, संतुलित आहार खाएं, विटामिन सी, हरी सब्जियां, फ्रूट्स ज़रूर खाएं, एक्सरसाइज ज़रूर करें, योगा भी इसमें हेल्प करता है। यदि आप अपना शरीर अच्छा रखेंगे तो आपको वायरल या बैक्टीरियल इलनेस कोई भी होने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।